अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना की तरफ से जो है एक मेला लगाया जा रहा है। लगभग लगभग 9 जिला में ये मेला लगेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उस मेला में जाना है और आपको उस जॉब को पाना है। कैसे आपको जाना है, कौन कौन सा जिला है, योग्यता क्या होनी चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण की पहल, यहाँ पे आप देख सकते हैं नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2024। ये जो मेला लगाया जा रहा है ये व्यावसायिक मेला है। उसके बाद बताया गया है कि राज्य के सभी जिलों के तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले आवेदकों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, यानी कि रोजगार पाने के लिए काफ़ी बड़ा मौका। यानी कि आप जॉबलेस हैं, आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, आप जॉब के लिए परेशान हैं और आपके पास सर्टिफिकेट मौलवी और फोकानिया की है, तो आपके लिए खुशखबरी। या फिर अगर आप टेंथ या ट्वेल्थ पास हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि तकनीकी एवं गैर तकनीकी, यानी कि अगर आपके पास जो है फोकानिया मौलवी के साथ अगर आपके पास ITI की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, बट अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मौलवी की डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हैं। अब कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिला का जो फर्स्ट नाम है नवादा, यहाँ पे नियोजन मेला की जो तिथि है 18/10/2024 को। उसके बाद जिला स्तरीय जो बहाली है जिला स्तरीय है। उसके बाद बताया गया है कि इसकी अवधि जो रहेगी एक दिवसीय रहेगी। उसके बाद कहाँ आपको जाना है, आयोजन स्थल देख सकते हैं गवर्नमेंट हाई ITI नवादा। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर भी है। तो देखिए, अगर आप नवादा जिला के रहने वाले हैं और आप जॉबलेस हैं, जॉब के लिए आप परेशान हैं, तो आपको कल यानी कि कल सुबह आपको यहाँ पर चले जाना, गवर्नमेंट ITI नवादा आपको चले जाना। अगर आपका यहाँ जाने में 10 किलो या 20 किलो या 30 किलो या 40 किलोमीटर दूर भी घर है तो आप ज़रूर जाएं और जॉब आप लेकर आएँ। मैं आपको आगे बताऊँगा कि जाने से पहले आपको एक काम क्या करना। उसके बाद अगर आप खगड़िया जिला के हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेट रखा गया 19/10/2024, उसके बाद जिला स्तरीय है एक दिवसीय है। उसके बाद बताया गया कोशी कॉलेज ग्राउंड खगड़िया, यहाँ पे आपको चले जाना है। ये मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर इसलिए डाला गया कि अगर आपको जाने में कोई दिक्कत आ रही है, एड्रेस वगैरह आपको पूछना है तो आप कॉल कर सकते हैं, बट आपको फालतू में बिल्कुल भी कॉल नहीं करना क्योंकि ये लोग काफ़ी बिजी रहते हैं तो कभी कभी आपका कॉल को रिसीव भी नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आप बेगूसराय से आते हैं तो बेगूसराय का जो 21/10/2024 को है ये भी सेम है। उसके बाद ये कहाँ, गवर्नमेंट ITI बेगूसराय में, मोबाइल नंबर ये है। उसके बाद अगर आप नालंदा जिला के हैं तो नालंदा जिला में क्या है कि 22/10/2024 को है। उसके बाद यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि संयुक्त क्रम भवन, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार शरीफ में ये जो है मेला लगेगा, यहाँ पे आपको चले जाना है। ये है मोबाइल नंबर। उसके बाद अगर आप शेखपुरा जिला से है तो शेखपुरा के लिए देख सकते हैं कि 23/10/2024 को इस्लामिया +2 हाई स्कूल शेखपुरा, और ये है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका रहा मोबाइल नंबर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ समस्तीपुर की तो समस्तीपुर 24/10/2024 को है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं होली मिशन हाई स्कूल मोहनपुर रोड समस्तीपुर, ये है मोबाइल नंबर। उसके बाद दरभंगा जिला से अगर आप आते हैं तो दरभंगा जिला का भी मेंशन किया गया, मधुबनी जिला से आते हैं तो मधुबनी का भी किया गया, और सुपौल जिला से अगर आप आते हैं तो सुपौल जिला का भी मेंशन किया गया। यहाँ पर एक मरतबा आपको खुद से देख लेना है, ये सब जो है जितने भी नंबर वगैरह आप अपना एड्रेस वगैरह सब मिला लेंगे। बट अब ये है कि अगर आपको कल जाना है, यानी कि नवादा जिला वाले को कल जाना है, तो देख सकते हैं टाइम जो रखा गया 10:30 बजे से 4 बजे के बीच में आपको जाना है, यानी कि घर से आपको 1 घंटा कम से कम पहले निकलना। अब जो बताया गया है कि जाने से पहले यहाँ बताया जा रहा है कि भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को NCL पोर्टल पर आपको निबंधन करना होगा, यानी कि पहले आपको फॉर्म भरना होगा। NCL सर्टिफिकेट क्या, वेबसाइट क्या, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि आयोजन स्थल पर भी निबंधन की व्यवस्था होगी, यानी कि अगर आप ये वाली वेबसाइट पर अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं, यानी कि आप आवेदन नहीं देते हैं, तब भी आपको घबराना नहीं है। वहाँ पे जो लोग रहेंगे कंप्यूटर लेकर बैठे रहेंगे तो वहाँ पर भी जाकर भी आप जो है
NCL पोर्टल पे जो है आप जो है अपना रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, उसके बाद बताया जा रहा है कि भाग लेने वाले नियोजन को NCL पोर्टल पे हर हाल में करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप जो है निबंधित होना आवश्यक होंगे, यानी कि आप नहीं रह सकते, यानी कि जॉब आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद बताया गया है कि विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित जिला के नियोजनालय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप जो है नियोजन कार्यालय से आप जो है जानकारी ले सकते हैं, बट आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप NCS की पोर्टल पे अगर आप कर लेते हैं तो आपको कर लेना है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, एक आधार कार्ड ले लेना है। उसके बाद अगर आपके पास जो है पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी आपको ले लेना है, ये तो आपका आधार कार्ड हो जाएगा और ये पैन कार्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि 10th की और आपकी 12th की मार्कशीट लेना, ओरिजिनल मार्कशीट, उसके साथ साथ ITI की आपके पास जो है ITI की जो है आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए, याद रखना ITI की अगर आपने किए हुए हैं तो आप उसकी डिग्री ले लेना। और लेने के बाद जो है आपको दो फ़ोटो ले लेना है, और फोटो लेने के बाद आपको डायरेक्ट जो है इस वाले जो एड्रेस जहाँ भी यहाँ पे बताया गया है गवर्नमेंट ITI नवादा में पहुँच जाना। बट बहुत सारे लोगों का मुझे पर्सनली मैसेज आएगा कि मोहम्मद भाई हम तो ITI नहीं किए हुए हैं। देखिए, आप ITI नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले, यानी कि अगर आप तकनीकी कोई आप टेक्निक जानते हैं, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिक में अगर आपने बिजली का काम सीखा या फिर प्लम्बर कुछ के लिए सीखा है तो आप ITI के ले लें, मगर आप गैर तकनीकी क्षेत्र का में कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आपको जाएंगे वहाँ पे आपको जॉब मिले, क्योंकि जॉब जो है बहुत अलग अलग जॉब यहाँ पे निकाली गई है, और इस नंबर से कॉल करके भी आप जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।